हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा वत्स और आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे संधि हिंदी व्याकरण से। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हर एक एग्ज़ाम के लिए, और कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आप संधि या हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है इस बुक में, आप देखेंगे हर एक बात को कवर किया गया है, इसलिए मैं बुक से ही करवा रही हूँ सीधा। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले संधि है क्या? देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ विकार जो है वो परिवर्तन होता है। संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जब दो स्वर आमने सामने होते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे जो है स्वर संधि कहते हैं। हम इस वीडियो में स्वर संधि और उसके भेद देखेंगे कंप्लीट, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि करेंगे और विसर्ग संधि। तो दो या तीन वीडियो में कंप्लीट होगा ये चैप्टर, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो वीडियोस को पूरा देखें, और अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करें स्वर संधि के भेद देखें। स्वर संधि के जो भेद हैं वो हैं पांच: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। याद कर लीजिए, ये बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है और शब्द देकर पूछा जाता है इस शब्द में कौन सी संधि है, और काफ़ी कुछ तो आप नाम से ही अंदाज़ा लगा लेंगे। दीर्घ संधि में देखिए, दीर्घ का मतलब है बड़े होना। इसमें क्या होता है, अगर हस्व स्वर और दीर्घ स्वर आमने सामने होते हैं तो हमेशा दीर्घ स्वर बन जाता है। शॉर्ट में अगर आप याद करोगे तो ये सबसे अच्छी एक तरीके से पंक्ति है कि हस्व दीर्घ अगर इकट्ठे हैं तो दीर्घ ही हमें उठाना है। जैसे अ ई उ के सामने बड़ा आ ई उ आ जाए तो क्या बनता है, आ ई उ हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, एग्जांपल देख लीजिए, स्वर प्लस आर्थी स्वार्थी, देव प्लस अर्चन देवार्चन, देह प्लस अंत देहांत। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, इनको ध्यान से पढ़ोगे तो याद भी हो जाएंगे। देखिए, शॉर्ट में हम चल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में चलने से अच्छा है आप अच्छे तरीके से रूल्स याद करें। रूल्स अगर आपको याद होंगे तो कभी भी पजल नहीं होगे और गलत नहीं करोगे एग्ज़ाम में। गुण संधि क्या है? देखिए, गुण संधि में क्या होता है, जब ए आ के बाद ई ई या उ उ या री हो तो ये क्रमशः ए ओ अर में चेंज हो जाते हैं। ये शब्द देखिए, ए ओ अर ये आ जाते हैं शब्द, ये जो इनके सामने, अगर आ आ के सामने ये भिन्न स्वर हैं ई ई उ उ री, तो ये तीन शब्द बनते हैं, तीन ये स्वर बन जाते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे आप। और ये देखिए, शॉर्ट में आपको दिखा भी रखा है, ए आ ई आ ई ए अ उ ओ आ उ ओ ए आ या प्लस री जो है वो अर बन जाता है। ऐसे ही आ के सामने जब ई आता है तो ए और अ के, ए और आ के सामने उ आता है तो ओ बन जाता है। उसके बाद है वृद्धि संधि। देखिए, वृद्धि के नाम से ही पता लग रहा है कि वृद्धि हो जाती है, एक मात्रा बढ़ जाती है। और इसमें क्या है, ए आ प्लस ए आई अगर हो तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ऐसे ही ए आ के सामने ओ औ आ जाए तो औ बन जाता है, तो एक मात्रा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये देखिए, शॉर्ट में दिखा भी रखा है, ए ए आई हो गया, ए आई आई हो गया, आ ए आई हो गया, आ आई आई हो गया, ए ओ औ हो गया, ए औ हो गया, आ ओ औ और आ औ ओ हो गया, औ हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे आप अच्छे तरीके से। उसके बाद है यण संधि। देखिए, यण संधि में क्या होता है, य जब या आ गया तो आप ध्यान रखें, तो यण संधि में जो है यदि ई ई उ उ के सामने या और री के बाद जो है भिन्न स्वर आ जाए,
ई का जो है वो य बन जाता है और ऊ का व बन जाता है और री को रा हो जाता है। देखिए ये याद कर लीजिए, ई ऊ और री, इनके सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, मतलब इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, या व और र, या व और र, या व र, याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद है देखिए, इन सबके हम एग्जाम्पल भी करेंगे साथ साथ, जब हम जो है ये कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर तो इनके एग्जाम्पल ज़रूर उठाऊंगी मैं साथ में। अगर आपको फिर भी मैं एक दो एग्जाम्पल साथ साथ बोल देती हूँ, जैसे गुण संधि थी हमारी, गुण संधि में क्या हो रहा था, जैसे आ और ई ए बन रहा था, आ ई ए बन रहा था, तो जैसे महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र तो क्या बन जाएगा, महेंद्र। ऐसे ही आ और री क्या बन रहा था, अर बन रहा था, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि तो क्या बन जाएगा, देव ऋषि। तो ऐसे ही जो है वृद्धि संधि में हम आई, आई की मात्रा बढ़ रही थी, जैसे पुत्र प्लस एषणा जो है, पुत्रेषणा हो जाएगा, पुत्र प्लस एषणा। ऐसे ही महा प्लस औषधि हो जाएगा, महोषधि। इसके बाद है यण संधि, यण संधि में देखिए क्या होता है, अ ई और ऊ के सामने अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए या री के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या बनता है, या व और र। देखिए जैसे अति, अति में छोटी होती है, और अल्प, अति अल्प, अति अल्प अगर हम लिखते हैं तो क्या बनेगा, अत्यल्प। ऐसे ही वधु जमा आगमन, वधु ऊ प्लस आ जब मिले तो क्या बना, वा, यानी ऊ से जो है असमान स्वर था आ तो क्या बन गया, वा, वधवा गमन। उसके बाद है अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है, ए ऐ ओ औ, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए को अय हो जाता है। ये इसका सबसे अच्छा जो है एक तरीके से आप याद कर सकते हैं, जिस भी शब्द में आपको अय आय अव और आव दिखे, अय आय आओ और आओ, तो समझ लो वो अयादि संधि है। और देखिए ये जो है इसके लिए उदाहरण देख लीजिए, न ने प्लस अन, ने प्लस अयन, नयन, तो ने प्लस अयन, ए प्लस अ तो क्या बन गया, य, नयन। उसके बाद है पो प्लस अन तो क्या बन जाएगा, पवन, प व बन गया पवन। तो ये थे हमारी स्वर संधि के भेद, और अगर आपको समझ में आ गए हैं अच्छे तरीके से या कोई भी डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे, हम जो है इसके बाद अपना व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि और इस सबसे रिलेटेड उदाहरण करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।